जय मेहर बाबा। आज मेहर संकल्प ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मेहर बाबा के एक्सपीरियंस मेरे पिताजी के और मेरे आप सबके साथ शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बताया, तो मैं बाबा का भी धन्यवाद मानता हूँ कि जिनके पिताजी के कारण हम सब फैमिली मेहर बाबा के संपर्क में आ गए। अभी ये बात है अप्रैल 1954 की, जिस दिन मेरे पिताजी का मेरे अवतार मेहर बाबा का पहला दर्शन हुआ। और वो दर्शन जब वो करने गए, दर्शन जब हुआ तब उनका उनके साथ उनका एक फ्रेंड था पाडय करके। ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ड्यूरिंग हिज कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ के दरमियान ये दोनों भी ऐसे मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे, तो पाड़े को मैसेज, जो पाड़े फ्रेंड थे उनको मैसेज मिला कि आज मेरे बाबा ये रूट से आ रहे करके। तो मॉर्निंग वॉक के दरमियान जब सुबह का टाइम था, सूरज उगा रहा था, और उसी टाइम मेहर बाबा ने सन वॉज राइजिंग और मेहर बाबा की ब्लू कार वहां से आ रही थी, मेहराजाद से आ रही थी। और उस टाइम आदि अंकल आदि के ईरानी जो बाबा के साथ मंडली मेंबर के एक थे, तो उन्होंने कार ड्राइव कर रहे थे। तो उस टाइम और एक दो मंडली मेंबर्स के बाबा के साथ ब्लू कार में बैठकर वो सब आ रहे थे। और ये मॉर्निंग वॉक को जो अवतार मेहर बाबा नगर सेंटर है उसके बाहर बाहर के रोड पर बाबा की कार रुक गई। और बाबा ने आदि को बताया कार रुको, और करके बाबा बाहर कार के बाहर आ गए और कार के उधर खड़े हो गए। तो ये मेरे पिताजी ने और पाड़े दोनों ने देखा वामन पाड़े करके उनका नाम है, तो उन्होंने देखा, तो ये देखा तो सडनली मॉर्निंग वॉक के टाइम उनकी तरफ बाबा अपने लिए रुके, ऐसा उनका ये हो गया। और वो सडनली वो कार की तरफ बाबा की तरफ भागने लगे। तो भागते भागते बाबा के पास गए, पाड़े उन्होंने बाबा का दर्शन लिया। और सबसे उसी टाइम मेरे पिताजी जो रास्ते पे बाबा खड़े थे, उस रास्ते पे बाबा के पैर पर पिताजी ने अपना सर रख दिया और रोड पे पूरा सोकर बाबा का दर्शन ले लिया। तो पिताजी ने बताया कि वो अप्रैल महीना था और 1954 का था। उस टाइम हमारा मॉर्निंग समय था, तो सूरज सनराइज वॉज देयर। एंड बाबा का जो दर्शन था, बाबा पूरे सूरज की तरह प्रकाशित लग रहे थे, पूरा ग्लोरीफाइड, ऐसा बाबा का दर्शन फर्स्ट टाइम उनको लग रहा कि जैसे उनके सामने कंपैशन, जैसे दयालु पिता उनके आंखों में वो पूरा दिख रहा था। पिताजी ने ये सब वर्णन किया, मुझे बताया, और ये सब बाबा ने उस टाइम, बाबा तो बात नहीं करते थे, तो बाबा ने उसी टाइम आदि अंकल को बताया कि ये देखो। और आदि अंकल को बताते टाइम पिताजी और मेरे पिताजी शिवाजी राव मांढरे और उनके फ्रेंड वामन पाडर, उन दोनों को बाबा ने एक बार फिंगर्स उन्होंने बताया कि आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूँ। और मैं ये सेंटर में, सेंटर की बाहर की बात है, तब वहाँ एक बहुत बड़ा बाहरी रास्ते पर एक बहुत बड़ा सेंटर को क्लोज में एक बहुत बड़ा एक बड़ा ट्री था, पेड़ था, तो बाबा उसके नीचे रुके थे और ये दर्शन बाबा ने दिया। तो उस टाइम ये बाबा ने बात की कि मैं ईश्वर हूँ और मैं इस अहमदनगर सेंटर में वर्ल्ड करस्पॉन्डेंट यानी विश्व के जो भी बातें, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो या जो भी कार्य हो, विश्व का कार्य इस सेंटर से मैं करता हूँ, यहाँ मैं आते जाता रहता हूँ। तो तुम यहाँ भी आते जाओ सेंटर के ये ट्रस्ट ऑफिस में, और ट्रस्ट ऑफिस में मेरा दर्शन लेते जाओ। तो ये मेरे पिताजी की सबसे पहली शुरुआत। और जो बातें
मेहर बाबा ने की वो बातें, सभी पूरी बातें आदि काका ने उनको वर्ड्स में बताया मेरे पिताजी और उनके दोस्त को। और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि बाबा इस ट्रस्ट ऑफिस में आते तो इंफॉर्मेशन लेते थे, कब आते थे, आदि अंकल को मिलके और पाड़े वामन पाड़े ये इंफॉर्मेशन लेते थे, और मेरे पिताजी शिवाजी मांडरे और पाड़े ऐसे ट्रस्ट ऑफिस में जाकर मेरे बाबा का दर्शन लेते थे। तो उस टाइम ऐसे इंसिडेंट हो गए और दर्शन लेते लेते बाबा ऐसे ऐसे एक हफ्ते में पिताजी और ऐसे जो भी बाबा लवर्स थे उस टाइम के वो सब ऐसे इकट्ठा होते थे। उसमें थे छगन मास्टर, रंगोले काका जो अहमदनगर नगर सेंटर के सेक्रेटरी थे, विच वॉज अपॉइंटेड बाय बाबा, जिन्हें बाबा ने वहाँ सिलेक्ट किया था कि, और बाबा ने बताया कि तुम ही सेंटर के पहले सबसे सेक्रेटरी होंगे, ये आदि काका ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो बातें इसमें ऐसे बाबा लवर्स इकट्ठा इकट्ठा सब आते थे, और वहाँ सब होने के बाद ये मैंने जो बातें बताया कि उषा शास्त्री थे, उसके बाद लता लिमय थे, उसके बाद भगीरथ तिवारी और उनकी वाइफ कोकिला, ये सब ऐसे बाबा लवर्स इकट्ठा आते थे। तो ऐसे करते करते और बाबा की बातें, बाबा का डिस्कशन, बाबा के प्यार जो उन्हें मिलता था उसके बारे में एक दूसरे से शेयर करते थे। तो उसके बाद उन्होंने आदि काका से अप्रोच हुए और आदि काका को बताया कि हम सब यहाँ या इस ट्रस्ट ऑफिस में बाबा का सेंटर चालू करना चाहते हैं, तो आप बाबा की मेहर बाबा की परमिशन लेकर हमें ये बात आप बाबा से बताओ। तो आदि काका को ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये पूरी बात बाबा को बताया कि ये लोग ऐसे इकट्ठा होकर सेंटर में सेंटर चालू करना चाहते। तो बाबा ने परमिशन दी। जब बाबा मेरे गुरु प्रसन्न में थे तभी ये आदि काका उनके सामने अप्रोच हुए और आदि काका ने ये सब बातें उनको बताई, तो बाबा ने भी परमिशन दी और आदि काका को बताया कि आप, मैं एक जो मैसेज है वो बाबा ने सेंटर के लिए दिया था, वो मैसेज अहमदनगर सेंटर के लिए दिया था, वो मैसेज उन्होंने 29 जून 1959 में, यानी 29 जून 1959 में ये स्टार्ट किया कि सब इकट्ठा हो गए और आदि काका ने जो मैसेज दिया था, बाबा ने जो मैसेज दिया था वो रीड आउट किया, और जो रंगोले का थे उनको बाबा ने जो अपॉइंट किया था पूना में, तो आदि काका ने बताया था कि ये अभी अपने सेंटर के सेक्रेटरी पहले सेक्रेटरी है। तो ये बात सब होने के बाद ये उसके पहले ये ऐसे आउटसाइड कहा तो उषा शास्त्री के घर पर मिलते थे, और उषा शास्त्री के घर पर ये भजन का प्रोग्राम होता था। उसके बाद जो यहाँ के सिंगर थे, जो बाबा के भक्त थे, बाबा के लवर थे, वो थे रुस्तुम काका और उनकी वाइफ, रुस्तुम काका हाथी दारू। ओके, तो उनका बेटा जो मानिक हाथी दारू है, जो हम लोग ये गाना सुनते आदि सचेतन जो बाबूजी ने लिखा हुआ है, उनको उस गाने को कंपोज करने का काम पूरा उसको पूरी तरह से मानिक काका ने किया हुआ है, और ये बाबूजी ने लिखा हुआ गाना बाबा के सामने मानिक काका ने फाइनल किया, उसको जो चाल देने की जो ये थी मेथड थी वो पूरा उनका बेटा रुस्तुम काका का बेटा मानिक काका उन्होंने फाइनलाइज किया था और मेहराजाद ने उन्होंने बताया था। तो ये सब ऐसे बातें रहती थी, ये सब इकट्ठा होते थे, बड़े प्यार से बाबा के बातें करते थे। तो ये करते करते इसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने जब परमिशन दी तो
सैटरडे को हर सैटरडे को इकट्ठा होते थे, और 29 जून के बाद, और उन्होंने आदि काका से परमिशन लेके एक छोटी रूम सेंटर के लिए देने के लिए बाबा ने बताया था। तो उसी टाइम जो सरोज ईरानी जो अहमदनगर शहर के जो नगराध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात उनकी जो रूम थी वो एक रूम फाइनलाइज की, और उसमें से पूरा कंस्ट्रक्शन करके एक छोटा रूम अवेलेबल करके दिया। और इसी तरह अहमदनगर सेंटर का ओपनिंग हुआ, लेकिन ओपनिंग 29 जून को बाबा आए नहीं थे, तो बाबा के हाथ से इस सेंटर का इनॉग्रेशन होना चाहिए, ऐसे सब बाबा लवर्स की इच्छा थी। तो उन्होंने ये फिर से अप्रोच किया थ्रू आदि काका के थ्रू, उन्होंने अप्रोच बाबा को किया, तो बाबा ने तो एक डेट बताई 21 अक्टूबर 1962। ओके, तो 21 अक्टूबर को सेंटर का इनॉग्रेशन बाबा के हाथ से हुआ। तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बाबा ने लिमिटेड सेंटर, जैसे पूना सेंटर है, अमेरिका का सेंटर है, एक लिमिटेड सेंटर का ओपनिंग अपने खुद के हाथ से किया है। उसमें से एक अहमदनगर सेंटर का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अभी ये बात भी एक इतना इम्पोर्टेंस है कि बाबा ने ये भी बात कही है कि जब भी लोग मेहराबाद को विजिट करेंगे, समाधि को आएंगे, तो समाधि को आते टाइम जब नए बाबा लोग रहेंगे या नए लोग रहेंगे, तो जब आएंगे तो तभी वो मेहराबाद को और अहमदनगर सेंटर को भेंट देने के बाद ही मेहराबाद और मेहराबाद होने के बाद मेहर नजर को आने के बाद ही उनको पूरी तरह बाबा की इंफॉर्मेशन, बाबा की जो जो भी कुछ माहिती है वो सब माहिती इंफॉर्मेशन उनको यहाँ मेहर नजर सेंटर के थ्रू मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोग समझते नगर सेंटर पे बाबा ने दी हुए, कि बाबा को अगर दिल से जानना है, बाबा को पहचानना है, तो आप सबको जिस तरह मेहराबाद मेहर नजर, तो हम बोलते काशी काशी ये जो अपना ट्रिप हम लोग पुराने लोग करते थे, तो एक अपना सर्कल पूरा हो जाता था काशी का बोले, या हम ऐसे ये उसी तरह बाबा ने ये बात बताई है कि ये तीनों मेहराबाद मेहराजात और मेहर नजर करने के बाद आपको पूरी तरह से मेहर बाबा क्या है ये आपको बात समझ में आएंगी। तो इसके लिए मैं आप सभी को ये मेरा निवेदन रहेगा और मेरा कहना रहेगा कि मेरा बात जब आओगे तो मेरा जात भी जाओ, जहाँ बाबा का लॉन्ग टर्म पर या बहुत सबसे ज्यादा वहाँ बाबा का रहने का अस्तित्व था, बाबा वहाँ सबसे ज्यादा ये पृथ्वी पर जब भी आए तो मेरा जात को रहते थे, और बाबा का जो कार्य था वो मैं अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट ऑफिस नगर से जो जेंडी गेट है वो एरिया से बाबा करते थे किंग्स रोड पर, और आने के बाद ट्रस्ट ऑफिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है जिम्मेदारी वो अहमदनगर सेंटर पर बाबा ने सौंपी है। तो 21 अक्टूबर 1962 बाबा के हाथ से ये अहमदनगर सेंटर का ओपनिंग हुआ। उस टाइम ये जो भी बाबा के लवर थे, बाबा के प्रेमी थे, वो सब इकट्ठा हुए, बाबा के उस टाइम भजन हुए, और उसी टाइम भजन के साथ कुछ प्रोग्राम्स बाबा जो बताए वो प्रोग्राम्स वहाँ इकट्ठा होने के बाद किए गए, और बाबा भी बहुत खुश थे। और बाबा की ये उस टाइम आने के बाद पूरा वातावरण चेंज हो गया, और सब ये प्रोग्राम होने के बाद बाबा ने आखिरी में बताया कि लता अली मैं बाबा के सामने एक गाना पेश करेंगी, और उसके बाद कोई भी मेरा दर्शन नहीं लेगा। और ये बात करते समय बाबा ने
लता लिमय उन्होंने बाबा के सामने एक भजन पेश किया, और भजन होने के बाद बाबा ने लता लिमय जी को आलिंगन दिया, और उसके बाद सडनली सेंटर के बाहर से मेरा घर की ओर चले गए। इस तरह सेंटर का ओपनिंग हो गया। तो अभी मेरे पिताजी जो थे, तो एक अलग अलग इंसिडेंट में बाबा के कांटेक्ट में आए। हम पूना में बचपन से, पूना में तलेगांव दाबाड़े करके जो गांव था उस टाइम, वहाँ हमारा स्कूल लाइफ और एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशन हो गया। तो उस टाइम पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बाद पिताजी जब भी बिफोर हिज मैरिज लाइफ ही कम इन कॉन्टेक्ट विथ मेहर बाबा। तो जब उनका जब पिताजी का दर्शन हुआ, तो ये सब और उसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि बाबा का पिताजी का जब शादी हो गई, तो वंस अगेन उन्होंने आदि काका को अप्रोच किया, कि अप्रोच करने के बाद बताया कि जब तक मैं बाबा का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरे संसार के संसार चालू नहीं करूंगा, और संसार मैं अपने संसार में पूरी तरह से आगे नहीं ये हूंगा बढ़ूंगा। तो करके आदि काका को, आदि काका बोले नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तब मेहर बाबा अपने मेरा जात को रहते थे, लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल, तो पिताजी को आदि काका ने बताया। अभी प्रेजेंटली अभी मेहर बाबा एकांतवास में। ओके, सो सेक्युलरिज्म में होने के कारण बाबा किसी को दर्शन नहीं देते थे, लेकिन पिताजी ने जिद की कि बाबा मुझे सिर्फ, मैं दूर से दर्शन लूंगा, स्प्लिट ऑफ दर्शन, यानी मैं दूर से खड़े होकर बाबा को देखूंगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब लेकिन आप मेहर बाबा से परमिशन लीजिए, परवानगी लेकर मुझे बताइए, ठीक है। तो दिस वॉज हैपन इन द 1965। ओके, सो द 1954 फर्स्ट दर्शन, सेकंड ओपनिंग ऑफ द 1959 नगर सेंटर, उसके बाद अक्टूबर 1962 सेंटर ओपनिंग, और उसके बाद जब पिताजी का आफ्टर मैरिज द मेहराजा विजिट इन 1965। तो जब आदि काका मेहर बाबा के अप्रोच हुए, तो उन्होंने मेरे पिताजी की बात उनको बताई, तो उन्होंने ये बात कही कि यस डेफिनेटली उसे बुलाओ करके। तो पिताजी को लगा कि जो मेहराजा का कंपाउंड है उससे दूर से वो मेहर बाबा को देखेंगे और चले जाएंगे। तो उन्होंने, पिताजी ने अपने खुद के पिताजी यानी माय ग्रैंडफादर, मेरी मदर, मेरे माँ को और माँ के एक भाई को, और खुद, ऐसे चार लोग बाबा के पास चले गए। और चार लोग गए तो बाबा ने उनको अंदर बुलाया, जहाँ बाबा क्वार्ट पर, जो आपको सबको मालूम है कि हम लोग जब साइलेंस डे रहता है, तो साइलेंस डे और उसके बाद क्रिसमस रहता है, तो क्रिसमस में उस टाइम भी हम बाबा की जो जो कॉट थी और रहने का जो ठिकाना था, वो बाबा कभी किसी को उधर बुलाते नहीं थे। बाबा सब जो भी बाहर से आते थे उनको मंडली हॉल जो था उधर का, और हॉल में ये सब बातें चलती थी। लेकिन उस टाइम पिताजी ने बताया कि बाबा ने मुझे और मेरे साथ मेरे माँ को और मेरे ग्रैंडफादर को ऐसे सबको अंदर बुलाया। बाबा कॉट पर बैठे हुए थे, और बाबा 1965 की बात, मेहराजात की बात है, और ये बात जब बाबा ने बुलाया, तो उसी टाइम मेहरमणि उस रूम में थे, और मेहरमणि के बाजू में दरवाजे के वहाँ मेरी माँ और ये सब भाई, माँ का भाई यानी मामा, मेरे मामा और ग्रैंडफादर, ऐसे तीनों खड़े थे, और पिताजी मेहर बाबा के पैर के वहां जाके बैठ गए। तो उस टाइम क्या बात हुई, तो बाबा ने बाय फिंगर्स वंस अगेन बताया कि ये जो मेरी अभी जो हालत है, मेरे जो पैर है, ये पूरा ऐसा
कड़क हो गए, यानी लकड़ी की तरह कड़क हो गए मेरा बॉडी। ये 1960 की बात है। तो बाबा ने बताया फिंगर से कि ये पूरा विश्व का ये जो है, ये सब ये पूरा ये मैं मेरे ऊपर ले लिया हुआ हूँ। तो पिताजी ने बताया कि ये आप ईश्वर है, आप गॉड है, ये आप ही कर सकते हैं। हम ये कुछ आप ही ये सब पूरा विश्व का जो बोझा है, ये आपने आपके ऊपर संस्कारों का बोझा ये आपने ऊपर ले लिया है ये। और पिताजी और ये ऐसे तो बाबा ने पूरा आधा घंटा उनको दे दिया और ये सब बातें उस टाइम उधर हो गई। तो ये बातें करते आधा घंटे के बाद मनी बहन ने मेरे माँ को बोला, आप कितने सुंदर हो, ऐसा करके एक दो चार लफ्ज ये करके माँ से बात की। और मेहर बाबा उस टाइम उन्होंने जो पिताजी से बात की आधा घंटे का दर्शन होने के बाद, बहुत पिताजी मेरे दिल से प्रसन्न हुए, खुश हुए। और बाबा ने बोला कि यू टेक यू लव बोथ ऑफ यू लव विथ ईच अदर एंड यू बोथ ऑफ यू लव टू मी। ओके, जैसे कि संसार चालू कर रहे हो तो तुम पिताजी को बता फिंगर से। और ये मनी बहन जो भी वहां थे उन्होंने सब एक्सप्लेन करके बताया कि एक दूसरे से प्यार करो और आप दोनों का प्यार मुझे दोनों का मिलाकर प्यार मुझसे प्यार करो। तो दैट इज द बाबाज मैसेज वॉज देयर ऑन द मैरिज सेरेमनी टू माई फादर। ओके, सो दिस थिंग इज हैपन ऑन द मैरिज आफ्टर मैरिज विजिट। उसके बाद क्या हुआ इन बिटवीन दैट, देर इज अ 8 मार्च 1962 बिफोर मैरिज। जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर 1962 में सेंटर का ओपनिंग हुआ, लेकिन 8 मार्च 62 का एक इंसिडेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाऊजी को बताया गया कि जो भी नगर सेंटर के लोग हैं उनके थ्रू बाबा के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन मेरे बाबा ने दे दी कि उनके ऊपर बाबा के ऊपर एक ड्रामा बिठाओ। तो ये ड्रामा जो है, तो ड्रामा आपको पूरी तरह आपको ये नगर सेंटर की ओर से होना चाहिए। तो बाबा भाऊजी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बहुत खूबी से ये निभाई और उसमें भाऊजी ने एक जय मेहर करके एक ड्रामा लिखा, जिसमें वो डायरेक्शन भी भाऊजी ने किया। तो भाऊजी के साथ ही ऐसे संपर्क में आ गए और उसके बाद जो ड्रामा था उस टाइम का मैं आप सभी के साथ वो ये इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि 8 मार्च को बाबा का ये ड्रामा अहमदनगर सेंटर के बाजू में एक सरोज टॉकीज है, बहुत बड़ा पुराना, जिसका नाम पुराने इसमें दीपाली टॉकीज करके था। तो वो जो टॉकीज है, तो वो टॉकीज में वो पूरा ड्रामा यानी फिल्म टॉकीज है वो, और वहाँ वो ड्रामा रखा था। तो वो जो पब्लिक शो था, वो पब्लिक शो पूरा बंद कर दिया, पूरा जो थिएटर था वो थिएटर डिसइंफेक्टेड कर दिया बाबा के आने के एक दिन पहले। और ये पूरा 8 मार्च को बाबा वहां से मेहराजाद से निकले और उस टाइम ईद का टाइम था। और आप सभी को मालूम है अहमदनगर सेंटर के बाहर कोटला मैदान करके वहां सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। और उसी टाइम बाबा की कार सेंटर के बाहर से रोड से वहां से गुजर रही थी और उनके साथ मंडली थे, मेरा माई थे, मनी बहन थे और मंडली थे उस कार में, और लेडीज मंडली थे, जेंट्स मेंबर्स दूसरे कार में थे और ऐसे सब लोग वहां से आ रहे थे। तो उस एक मंडली के मन में आया कि खुद ईश्वर खुद अल्लाह वहां से नमाज जहाँ लोग पढ़ रहे थे वहां से गुजर रहे। और बाबा ने एक नजर वहां देखा और आगे सेंटर की ओर चले गए। तो कितने ये सब फॉर्चुनेट है कि ये उस दिन जिस दिन ईद है उसी दिन सभी को बाबा का दर्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली द ग्रेस वॉज ऑन दैट
अल्लाह के जो भी प्रेमी थे उनके ऊपर बाबा का चावर्स ऑफ लव उस टाइम हो गया। ओके, तो उसके बाद बाबा जब सर्वोच्च टॉकीज में आ गए, तो सर्वोच्च टॉकीज में आने के बाद उस टाइम बहुत खूबी से जो भी यहाँ मेंबर्स थे, जो भी बाबा प्रेमी थे, उन्होंने ये सब ड्रामा वहाँ प्ले किया। अभी उस ड्रामा में क्या था, तो कोकिला भगीरथ तिवारी, कोकिला जो तिवारी जो थे, उन्होंने माया का रोल प्ले किया, और उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने भगीरथ तिवारी, उन्होंने एंशियंट वन का रोल प्ले किया। और उसी टाइम उस ड्रामा में जो बाबा के प्रेमी थे एड के मास्टर, उनके बड़ी दो लड़कियां, शोभा प्लेड द पार्ट ऑफ शिरीनमई, बाबा के मदर जो है उनका रोल प्ले किया, और माय फादर प्लेइंग द रोल, माय फादर शिवाजी मांढरे प्लेइंग द रोल ऑफ द दुखी राम, द सफरिंग वन, द सैड मैन, ही प्लेइंग द रोल ऑफ दैट वेरी पुअर एंड द हंग्री मैन प्लेइंग दैट रोल बाय माई फादर। ओके, और शोभा जो एड के मास्टर की दूसरी लड़की है, उन्होंने अर्थ का, पृथ्वी का रोल प्ले किया, और उसमें लोकल डेवोटी भी थे जिन्का नाम शेल के, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ऐसा पेंटेड जो बैकड्रॉप ऑफ द सी था, वो एक सा एक पोस्टर तैयार किया था। रुस्तुम काका और उषा कुलकर्णी, उन्होंने बहुत शुरुआती का शुरू से जो गाना था, सॉन्ग वो सॉन्ग गाना था, वो गाना क्रिएशन के ऊपर था, तो वो गाना उन्होंने गाया था एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले विद द साउंड ऑफ ओम, लाइक दैट वेव्स अपीयर्ड इन द ओशन एंड टाइम माया, दैट माया एंड द ड्रॉप्स ऑफ सोल वेयर बॉर्न। ओके, सो व्हेन दिस वेव्स आर अपीयर इन द ओशन, द माया एंड इट्स ड्रॉप्स लाइक अ डिफरेंट सोल्स, नंबर ऑफ सोल्स वेयर बॉर्न। और उसी टाइम रुस्तुम काका एंड हिज वाइफ शीला एंड सन मानिक एज वेल एज रंगोले एंड वामन पाडले वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस प्रोडक्शन। ओके, सो ऑल द ये जो पार्टिसिपेंट थे दे परफॉर्म वेरी नाइसली एंड बाबा वॉज सो प्लीज, बाबा बहुत खुश हो गए व्हेन दे प्ले दिस। और द जो ड्रामा था वो जब खत्म हुआ, बाबा ने सब जो भी जिन्होंने ये ड्रामा में जो भी पार्ट लिया था, तो वो पार्ट बाबा ने जो पूरी तरह से, बाबा एम्ब्रेस ऑल दिस एक्टर्स, बाबा ने सभी को गले भेंट दिया, दे प्रेज ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ ईच एंड एवरी वन दोस प्लेइंग द रोल इन इट एंड वर्क फॉर द ड्रामा, लाइक दैट द ड्रामा वॉज कंप्लीटेड। तो जब भी ये, और उसी टाइम मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, बाबा ने कुछ लिमिटेड बाबा लवर्स, जैसे पूना से कुछ बाबा लवर्स को कुछ बुलाया था, मुंबई से कुछ बुलाया था, और हैदराबाद से कुछ बुलाया था, हमीरपुर से कुछ बुलाए थे, और जैसे बाबा ने एकदम लिमिटेड लोगों को वहाँ इस ड्रामा को बुलाने के लिए थ्रू इज मंडली उनको इनविटेशन दिया था, और ये ड्रामा फुल कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जब मैं सेंटर में मेरे यंग एज लाइफ में जाता था, तो यंग एज लाइफ में मैं सेंटर में व्हेन आई वाज पास आउट, मैं मेरा डिग्री इंजीनियरिंग का पूरा किया, तो करने के बाद आई ज्वाइन द सेंटर। तो जब भी मेरे पिताजी शिवाजी मांढरे भाऊजी कलचुरी को, बहु कलचुरी को, भाऊजी को जब भी मिलते थे सेंटर में, यू ऑल आर अवेयर भाऊजी प्लेड वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर द बाबा, ही वॉज द डायमंड इन डस्ट। भाऊजी जो थे बाबा के लिए बहुत एक तरह से डायमंड, जो धूल में हीरा जो बोलते हैं, उस तरह से भाऊजी थे। कभी भी सभी से प्यार से बात करते थे। जब मैं भाऊजी को मिला और मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, मेरी वाइफ आरती मेरे साथ में थी, और उसी टाइम भाऊजी जब भी पिताजी को ये कहते थे, तो बात करते कि नाउ दुखी राम यू आर नाउ सुखी राम,
ओके, ये दुखी राम अभी है हैप्पी मैन हो गया है, अभी सुखी राम हो गया है। सो बाबा माय फादर रिप्लाई दैट इज बाबाज ग्रेस ऑन मी। ओके, सो सच थिंग इज हैपन एंड व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हाट माय फादर शेयर एंड व्हाट माय फादर डूइंग आफ्टर बाबा लेफ्ट हिज बॉडी, माय फादर इज ऑल्सो इन अटैच विथ हिम। ही हैज टेकन द लास्ट दर्शन एट द बीबीसी रेडियो पे, जो या आकाशवाणी पे जो न्यूज मिली उसके बाद मेरे पिताजी ने उनका दर्शन लिया, वो अंतिम दर्शन, अमर जो हम अमर तिथि सेलिब्रेट करते हैं, तो बाबा का वो अंतिम दर्शन भी पिताजी को मिला। और इस तरह से मेरे पिताजी ये मेरे बाबा के कॉन्टेक्ट में आ गए। और ये यू नो दैट कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अभी पिताजी के बहुत बड़े बहुत, जैसे मैंने बताया मेहराबाद का एक किस्सा है, मेहराजात का एक किस्सा है जो शादी के बाद हुआ है, बाबा का जो गरीबों का पाव धोने का जो प्रोग्राम था, पुअर फीडिंग प्रोग्राम जो मेहराबाद या मेहराजात, ऐसे अलग अलग जगह, जैसे आप देख मालूम होगा एक ईश्वर करके फिल्म है, उस ईश्वर फिल्म में मेरे पिताजी बाबा के साथ एज अ वॉलेंटियर, एज अ बाबा प्रेमी करके वहाँ का जो पानी लग रहा था पाव धोने के लिए, वो बकेट से लाकर मेहर बाबा के वहां लाकर देते थे उनका जो, और वो पिताजी ने काम किया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी थी। तो पिताजी कम डूइंग, पिताजी अपना नौकरी करते समय भी बाबा के साथ भी कैसा समय बिताते थे, जैसे ये मेहराबाद मेहराजात के इंसिडेंट हुए, उसके बाद वाडिया पार करके अहमदनगर का एसटी स्टैंड के बाजू में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, दैट स्पोर्ट्स ग्राउंड है, क्रीड़ा का वहाँ बहुत बड़ा एक मैदान है, और उस टाइम जो जिला परिषद की वहाँ एक बिल्डिंग थी, तो वहाँ एक प्रोग्राम रखा था बाबा ने, कॉमन दर्शन, जो कॉमन दर्शन गाड़गे महाराज उनके साथ थे, वो बहुत फोटो में भी आपको दिखता होगा कि आप सबको मालूम होगा कि गाड़गे महाराज के साथ बाबा ने नीचे जमीन पर बैठ के सब पब्लिक में वहाँ खाना खाया था, और उसी टाइम सब पब्लिक को बिफोर दैट सबको दर्शन भी दिया था। इट वॉज द मोस्ट कॉमन दर्शन इन अहमदनगर सिटी, सो इट वॉज हैपन दैट इज एट वाडिया पार्क। तो उसके पहले क्या हुआ, तो बाबा को एक जिला परिषद की जो बिल्डिंग थे वहाँ की एक टॉप फ्लोर पे एक बाबा को दर्शन के पहले कुछ समय की ये बात है, जहाँ बाबा को दर्शन के लिए के पहले उस रूम में रखा गया था। ओके, तो आप सभी को एक मालूम है कि एक ऑस्ट्रेलियन जो आती है फ्रांसिस बाबा जॉन ने जो लिखी हुई है, तो ऑस्ट्रेलियन आरती जो समाधि पर चलती है हर समय होती है, तो ऑस्ट्रेलियन आरती हम जो गाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन आरती जो बाबा फ्रांसिस बाबा जॉन और मेरे पिताजी उस रूम के बाहर वहाँ खड़े थे, और फ्रांसिस मेरे पिताजी शिवाजी मांडे से बात कर रहे थे, यू नो फुटबॉल योर बाय एक्शन फुटबॉल फुटबॉल यू नो फुटबॉल लाइक दैट इन फॉरेन लैंग्वेज, बट माई फादर डोंट अंडरस्टैंड, माई फादर नॉट अवेयर ऑल दिस देयर प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश वेरी क्लियरली, तो फादर जस्ट डूइंग वॉच 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 आई सेड टू थ्री टाइम्स वॉज हैपन, एंड देन फ्रांसिस बाबा जॉन एक सडनली शाउटेड फुटबॉल बाय एक्शन लाइक दैट। ओके, सो देन पिताजी चिल्ला यस ओके यस दिस थिंग इज हैपन। सो when this incident my father was explained in front of baba, baba is also laughing, that thing incident was happened in the common darshan in for the wadia park। so ये किस्से जो है, और एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे बाबा का, जो मेरे पिताजी का आदि काका, जैसे मैंने बताया ट्रस्ट ऑफिस में बार बार जाते थे, मेहर नजर में जाते थे, सेंटर में जाते थे, तो बाबा जब बीमार थे
लास्ट पीरियड में, तो जब बीमार थे तो आदि काका ने मेरे पिताजी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी थी, तो मेरे पिताजी को बताया कि मेहर बाबा का जो ब्लड सैंपल है वो ब्लड सैंपल वो करके टेस्ट करने के लिए पूना का जो रूबी हॉस्पिटल है उस रूबी हॉस्पिटल में एक ये करने का है, टेस्ट करने के लिए सैंपल पिताजी को दिया था। तो पिताजी ने वो सैंपल लेके एक अपने एसी में बैठने के बाद उस सैंपल को पूरे अपने दिल से लगाकर उस बॉटल को कंटिन्यूस थ्रू आउट जर्नी, वो बड़े फॉर्चुनेट ये थे कि हाँ ये फॉर्चुनेट थे कि उनको ये सैंपल मिला है करके उन्होंने वो सैंपल लेके रूबी में ला के दिया। तो उनको कहने का मतलब ये है कि पिताजी को ऐसा ये महसूस हुआ कि जिस अवकाश में अमेरिका और अपने इंडिया में सातारा में एक्सीडेंट थ्रू ब्लड शेयर ब्लड पूरे इस धरती पर बाबा को एक्सीडेंट के बाद जो ब्लड ये हुआ पूरा बाबा का ब्लड निकल आया था, तो लाइक दैट कि जैसे ये बाबा की तबीयत ठीक नहीं तो ये सैंपल उनके साथ, मैं कितना फॉर्चुनेट, उन्होंने खुद को महसूस किया कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि ये ब्लड मैं पूरी अवतार का ईश्वर का। और पिताजी को ये बहुत दिल से ये थे कि बाबा ही राम है, बाबा ही कृष्ण है, बाबा ही यीशु है, बाबा ही यीशु जीसस है, बाबा ही बुद्धा है, बाबा ही मोहम्मद पैगंबर है। पिताजी को दिल से रियलाइज हुआ था और ये बातें हमारे साथ पिताजी शेयर करते थे। तो ये सभी बातें होने के बाद ये पूरा सेंटर का और इवन गुरु प्रसाद में बिफोर मैरिज पिताजी हैज टेकन द दर्शन एंड गुरु प्रसाद आल्सो व्हेन एस टू एस गैदरिंग था। तो पिताजी की शादी नहीं हुई थी तो लड़की देखने के लिए वो पूना गए थे, तो पूना में ये इंसिडेंट उनके जो पिताजी थे और वो थे, तो उसी टाइम उन्होंने गुरु प्रसाद में मेहर बाबा का दर्शन लिया था। तो पिताजी ने, मैं ये बहुत ये कह सकता हूँ कि पिताजी ने जब बातें हमारे साथ की शेयर की है, तो ऐसे जो बाबा के फिल्म है, बाबा के जो कुछ सेंटर में फोटो है पिताजी के और उसके साथ बाबा के साथ फोटोज है, अगर जब ये बाबा ने कॉमन दर्शन सेंटर में रखा था तो उस टाइम की एक बात है, तो कॉमन दर्शन में ये मैंने बताया कि वॉलंटियर करके वहाँ उन पिताजी के शिवाजी मांढरे माँ फादर और उनके फ्रेंड वामन पाडे ये दोनों ने भी उस टाइम भी 2-3 दिन वो दर्शन प्रोग्राम का तो वॉलेंटियर करके काम किया था। उसी टाइम के भी फोटो बाबा के साथ है और जब ट्रस्ट ऑफिस में बाबा दर्शन देते थे उनके साथ भी फोटो है। लेकिन उस टाइम बात क्या हुई कि सेंटर के लोग बताने लगे कि हमें बाबा का दर्शन ठीक तरह से नहीं हुआ, जो भी बाबा के क्लोज है उनका दर्शन नहीं हुआ करके मेहर बाबा ने बोला कि मैं एक स्पेशल, उसी टाइम ये दर्शन कॉमन दर्शन होने के बाद मैं स्पेशल दर्शन आप सभी को दूंगा। और उसी टाइम बाबा ने सेंटर में दर्शन दिया और मेरे पिताजी जो सेंटर में अमरनगर सेंटर में बाबा जी चेयर पे बैठे थे, तो उस चेयर के बाजू में पिताजी बैठे, ऐसा एक फोटो मैं देखा मेहरनगर ट्रस्ट ऑफिस में। तो उस टाइम बाबा ने एक बात बताई कि मेरे पैर के यहाँ बैठने के लिए भी कितना जन्म लेना पड़ता है आपको मालूम नहीं, यानी पैर के वहां बैठने के लिए, अवतार के वहां बैठने के लिए कितना ये करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाउ फॉर्चुनेट, हाउ द ये मेरे पिताजी कितने फॉर्चुनेट है कि सुदैवी है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मेहर बाबा ने दी कि मेरा राज में भी पैर के बाजू में बैठने को, जैसे बिफोर मैरिज पिताजी को मिला, ये बाद में भी ये सेंटर में भी सेंटर के अंदर जो बाबा की चेयर उधर भी अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये जो सब चीजें है इससे हमें बहुत हम महसूस करते हैं कि बाबा की कृपा हमारे पूरे फैमिली पर है, माय सिस्टर्स माय वाइफ माय डॉटर महेश स्मृति
मैंने ये बात मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे बेटी का नाम भी महेश स्मृति रखा है। तो इसका एक किस्सा देखो, फॉर्चुनेटली महेश संकल्प मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको फोन करने के बाद जो बाबा के प्रेमी थे बड़े मास्टर, एडवोकेट बड़े मास्टर, उनकी बेटी जो है मेहर कृपा पालवे, उन्होंने एक किस्सा मुझे बताया कि जब हमारे सभी उनके जो सिस्टर्स है, तो जब भी सबसे पहली बेटी बड़े मास्टर को हुई थी, तो उन्होंने बाबा को एक लेटर लिखा कि मैं मेरे बेटी का क्या नाम रखूं। देखो ये बात कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अभी ये दो एक दो महीने के पहले ये रियलाइज किया कितना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने लेटर लिखा, तो बाबा का रिप्लाई उनको आया, तू नाम कुछ भी रख लेकिन उसके पहले मेहर ये शब्द उसको लगा ले। यानी जैसे अभी मेहर कृपा, कृपा उनका नाम है, किसी का नाम प्रसाद रहता है तो मेहर प्रसाद, तो किसी का नाम ये रहता है। तो आई डोंट नो व्हेन द बर्थ ऑफ माय डॉटर, मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं मेरे बेटी का नाम मेहर स्मृति करके रखूंगा। तो करके जब ये 2 महीने की पहले बात हुई, तो मुझे ये लगा कि दिस इज द ग्रेस फॉर बाबा ग्रेस दैट माय डॉटर इज गिफ्ट फ्रॉम माय मेहर बाबा, दैट इज द फॉर्चुनेटली मैंने उसका नाम कैसे मेहर स्मृति रख दिया। तो ये जो बातें देखो कैसे बाबा की तरफ से, ये तो मुझे किसे ये हुआ नहीं, लेकिन ये किस्सा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरी स्टोरी भी बहुत अलग है। जैसे मैंने ये कांटेक्ट में बाबा, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करूंगा कि अभी मैं अपने सब पूरे पिताजी की बात बताइए, तो पिताजी का जब एम पीरियड चल रहा था आफ्टर रिटायरमेंट ऑफिस जॉब, बाबा ने इतना ही बताया, पिताजी ने मेरे जिनको हम अन्ना कहते थे, पिताजी ने ये बताया कि मैं ये पूरी तरह से मेरा आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ मैं मेहर बाबा के मेहराबाद में बिताना चाहता हूँ, मेरे गुरु के, मेरे बिलव के, मेरे प्रियतम के सर्विस में बिताना चाहता हूँ। तो ये बात उन्होंने उस टाइम बताई थी। तो करके उनको अपॉर्चुनिटी दे गई, भाऊ जी भाऊ कलचुरी उस टाइम चेयरमैन थे, उन्होंने उनको पिताजी को ये अपॉर्चुनिटी, हम बहुत तहे दिल से उनके शुक्रिया करें भाऊ जी के कि उन्होंने ये हम सबको हमारे फैमिली को वहाँ रहने की, मेहराबाद में जो मेहर इंग्लिश स्कूल है वहाँ पिताजी को एक रूम वहाँ दी थी, और उसके साथ ही उनकी जर्नी टिल द एंड ऑफ द डे ऑफ माई फादर इन 19 दैट फादर वॉज एक्सपायर्ड गोज टू बाबा इन द 2012। तो ये जो जर्नी थी पिताजी की, जो जर्नी थी 1995 में जब यहाँ आए थे आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो ये उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई मेहर इंग्लिश स्कूल में। उन्होंने अपना एक रूम में पूरा घर की तरह ट्रस्ट में उनको वहां रखा था, और उतनी फिक्र सभी ट्रस्टी थे, और उतनी फिक्र उन्होंने उस ट्रस्टी ने हमारे फैमिली की उस टाइम ली थी कि जहाँ से पिताजी ने अपना काम, पूरा परिवार का काम अपना बाबा के तरफ, हम सभी को वहां से डाइवर्ट, बाबा के साथ हम पूरी तरह से अटैच हो गए। अभी मैं लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये करते करते बाबा की सर्विस करते करते, जब बाबा अमर स्थिति रहता था, तो मेरे पिताजी को ट्रस्ट ऑफिस के जो स्टॉल था वहाँ एक स्टॉल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि वहाँ जो बुक्स है उनको सेल करने का, जो अमर स्थिति में स्टॉल रखना है। तो उस टाइम पिताजी का जो जो पहले व्हाट वी कैन से कि जो दाढ़ी है वो दाढ़ी जैसे यंग एज से, वही यंग एज से लास्ट तक उन्होंने ब्लैक लास्ट तक रखी थी, और वैसे ही उन्होंने लास्ट तक उनका ये रखा था, जैसे वो बाबा के कांटेक्ट में आए तो टिल द एंड ऑफ दैट पीरियड ही कीप द ब्लैक दाढ़ी और उनके हेयर्स उन्होंने रखे थे, सो टू कीप हिज फ्रेश इन हिज सर्विस ऑफ द गॉड, ऐसा उनका ये रहता था, प्रसन्न हमेशा रहते थे। और मैं इस टाइम ये बताना चाहता हूँ, उस टॉस की एक बात है, तो पिताजी को देख के एक फॉरेनर जो थे
एक फॉरेनर लेडी थी, तो उन्होंने बताया कि आई हैव सॉ योर फोटो विद बाबा। तो टिल डेट उसी उसके पहले अभी आफ्टर 1995 की बात है, 98 90 90 तो बात होगी, तो उस टाइम तक पिताजी को ये मालूम नहीं था कि मेरे बाबा के साथ फोटो भी है, मेरे बाबा के साथ मेरे इतने फोटोज है। तो उन्होंने यही बात भी बोली कि आपका जो है, आपका जो सर्विस आपने ईश्वर फिल्म है करके वीडियो फिल्म है, उसमें भी आपके फोटोज है। तो तभी हमको रियलाइज हुआ कि माय पिताजी ड्यूरिंग हिज एज एज व्हाट टाइप ऑफ सर्विस ही डू विद द ही डिड विद द बाबा। एंड दैट भी रियली कि हमें वो उस टाइम से समझ में आया, और बाबा के पास हम ऐसे धीरे 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 अटैच हो गए, और हमारी जो पूरी दूसरे जब ये रहते फैमिली ऑल फोकस ऑन द बाबा। सो एवरीथिंग इज बाबा फॉर अस, एवरीथिंग गॉड डज, गॉड इज ऑल, गॉड डज ऑल एंड गॉड नोज ऑल। सो लाइक दैट अवर जर्नी स्टार्टेड। सो आफ्टर माई कॉलेज लाइक दैट विथ ऑल फैमिली मेम्बर्स एक्सपीरियंस द मेहर बाबा। सो वॉट आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग, द लास्ट इंसिडेंट ऑफ द मेहर बाबा वॉट हैपन माई पिताजी, जब पिताजी गुजर गए, तो उसके पहले जब पिताजी हॉस्पिटल में थे, तो ये टाइम मैं मेरे जॉब पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज नगर का जो है, वहां मैं काम करता था। तो मैं वहां मेरे जो वाइफ आरती मांडरे, उन्होंने जो टिफिन दिया था, तो वो टिफिन लेके मैं उस हॉस्पिटल में गया था। उस हॉस्पिटल में मेरे मदर और मेरे पिताजी थे, और उस टाइम सुबह का टाइम था, मैंने अपना टिफिन देके पिताजी को जय बाबा करके, अवतार मेहर बाबा की जय बोल के मैं चला गया। और उस टाइम दोपहर को डॉक्टर माँ उसी टाइम पिताजी के साथ थे, तो माँ का मैसेज आ गया कि पिताजी बाबा के पास चले गए। लेकिन उन्होंने ये बताया, माय वन सिस्टर वाज देयर सुजाता पंडित, तो बाबा पिताजी ने उनसे बात कही कि जाने के टाइम कि अभी मुझे एवरीवेयर आई लुक बाबा, मुझे अभी सब जगह बाबा मुझे लेने को आए हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ ऐसी बात की। और आधा घंटे के बाद पिताजी ने बॉडी ड्रॉप की। लेकिन मैं इसके पहले भी एक बात सबको बताना चाहता हूँ कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, कि मैंने जैसे बताया कि पिताजी ये महसूस करते थे ये राम है, यही मेरा राम है, यही सब कुछ है मेरा। तो जब उनको लगा कि मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो उनको एक आदत थी मेरे बाबा के बारे में कुछ ऐसे डायरी में लिखते थे, तो उन्होंने घर से निकलने के पहले रात को एक डायरी में लिख के रखा था, एक लास्ट वर्ड लिखा था, आई एम गोइंग टू जीसस कॉमा श्री राम एंड गोइंग टू अवतार मेहर बाबा। ये उनके लास्ट वर्ड थे जब वो घर से मेहर इंग्लिश स्कूल से मेहराबाद से निकले थे। तो उस हॉस्पिटलाइज के पहले की रात की बात है कि उन्होंने उनके डायरी में लिखा था, आई एम गोइंग टू जीसस श्री राम अवतार मेहर बाबा, बस जय मेहर बाबा। इतना लिख के उन्होंने अपना जर्नी फिनिश कर दिया। उसके बाद उनका जब एंड पीरियड हुआ, तो मेहराबाद में सब ट्रस्टी ने उनकी बॉडी बाबा के समाधि के वहां रखकर बुझावे नाथ जल रत्नी सॉन्ग होने के बाद बाद में अंत विधि बाबा का वहाँ ही मेहराबाद में मेरे पिताजी का अंत विधि हो गया। और हमें पूरे दिन से बाबा टेक केयर ऑफ हिम, ऐसे बाबा में वो विलीन हो गए। और जाते जाते हमें दूसरी कौन सी भी गिफ्ट नहीं, जो मायावी जग में रहती है, मटेरियल वर्ल्ड में रहती है, ऐसी पिताजी ने कुछ भी गिफ्ट हमारे लिए रखी नहीं। लेकिन मैं, हम पूरी फैमिली और मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि पिताजी ने हमारे लिए वो दौलत दे दी है जो कभी खत्म नहीं होती है, जो गुरु की दौलत है, जो बिलव्ड की दौलत है, जो प्रियतम मेहर बाबा की दौलत है। उस नाम का उसको तुम सिर्फ बांटते जाओ और अपनी दौलत बढ़ाते जाओ, और ये खुद आप अपने दिल में महसूस करोगे कि यस
दिस इज ऑल थिंग इज हैपन बिकॉज ऑफ द बाबा. ओके, सो दिस इज आई ऑल्सो एक्सपीरियंस. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई विल शेयर माई पर्सनल ओपिनियंस माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली. एंड दिस थिंग ऑल अबाउट माई फादर बाबा लवर दैट इज शिवाजी मांढरे. सो उन्होंने ये बात की, बाबा ने ये भी बताया कि संसार करो सब करो लेकिन संसार में बरसो रहे लेकिन दिल मेरे पास मन मेरे पास. संसार में रहकर भी फंसते नहीं कभी वो प्रेमीजन मेरे दास. ये जो बाबा ने बात कही है तो ये बात संसार करते करते भी हम बाबा के साथ अटैच हो सकते हैं ये आप सभी ने जानना चाहिए. या हम सब बाबा के साथ कैसे क्लोज हो सकते हैं और समय जैसे जैसे एवरी प्रॉब्लम देर इज द समय टाइम इज द सॉल्यूशन. बाबा ने ये बताया है कि बाबा ने ये भी बताया जो भी नगर सेंटर से आफ्टर माय मैरिज आई अटैच विद द अहमदनगर सेंटर. तो बाबा ने ये भी बताया जो भी नगर सेंटर से अटैच है उनके ऊपर मेरा ग्रेस है. सो दैट वी ऑल रियलाइज डे टू डेज लाइफ एवरी मोमेंट एवरी सेकंड एवरी मिनिट एवरी आवर. सो दिस इज द फॉर्चुनेट फॉर अस कि दैट आई कैन से कि मैं ये मेरा एंड करना चाहता हूँ कि हजरत बाबा जान जो बाबा के पूना के जो मास्टर थे तो जब यंग एज में बाबा उनसे मिलते थे तो बाबा ने हजरत बाबा जान के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त की वही कृतज्ञता मैं अपने प्रियतम अवतार मेहर बाबा के प्रति व्यक्त करके मैं अपने मेरे पिताजी का शिवाजी मांढरे का एक्सपीरियंस आपको बताए जो बताए. तो ये चार लव्स बता के मैं अपना एक्सपीरियंस जो है पिताजी का वो इन करता हूँ. तो मेहरवान मेहर बाबा जो है तो कॉलेज लाइफ में उनका नाम था मेहरवान. मेहरवान अपने बाबा जान के प्रति बोलते हैं पीरो मुर्शद मुझ पे तेरा जावेदा एहसान है. पीरो मुर्शद मुझ पे तेरा जावेदा एहसान है म्हणजे माझ्यावर तुझं एवढे उपकार मेरे ऊपर आपका इतना एहसान है ये गुरु ये परमात्मा आपका इतना एहसान है. पीयो मुर्शद मुझ पे तेरा जावेदा एहसान है लाख हुए जन्म मुझको तुझ पे सब कुर्बान है. ये मेहर बाबा ने मेहर बाबा ये बोले हुए कि लाख हुए जन्म मुझको तुझ पे सब कुर्बान है. बहरे वहदत में डुबाकर बहरे वहदत में डुबाकर खुद सा दरिया कर दिया. बहरे वहदत में डुबाकर खुद सा दरिया कर दिया एक ही पल में किया बंद से बाकी सब यजदान है. जो पारसी लोगों में यजदान परमात्मा कहते पर ये कहते तो यजदान ये नाम है. एक ही पल में किया बंद से बाकी सब यजदान है. तो बाबा को जो रियलाइजेशन मिला हजरत बाबा जान से जो इंफिनिट ब्लेसिंग मिला फ्रॉम दैट मास्टर साई बाबा वॉज देयर देन उपासनी महाराज वॉज देयर एंड दैट यू नो दैट नारायण महाराज देयर एंड ताजुद्दीन बाबा. तो ये जो ग्रेस है उनके भी अलग 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 किसी ने इंफिनिट ब्लेसिंग इंफिनिट पावर लाइक दैट. So this thing is our infinite knowledge. This is given to the avatar Mehr Baba. This five perfect masters has given this to the Baba. And this is the end of my today's session. My apna puri tarah se once again my Mehr Sankalp ka puri dil se shukriya ada karna chahta hu ki unhone meri baat aapke samne rakhne ke liye mujhe sandhi de di. और इसके साथ ही मैं मेरे पिताजी का शिवाजी मांढरे का एक्सपीरियंस यहाँ स्टॉप करना चाहता हूँ या रुकना चाहता हूँ. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय.